नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं डॉक्टर विपुल कपूर, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद से। आज मैं आपको हृदय आघात के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, जिसे हम हार्ट अटैक या दिल के दौरे के नाम से सामान्य तौर पर जानते हैं। हार्ट अटैक दिल की धमनी में रुकावट से उत्पन्न होता है। ये रुकावट चर्बी के संग्रह और खून जमने से होती है। दिल के दौरे के लक्षण सामान्य तौर पर तीव्र छाती में अचानक दर्द होना, सांस में तकलीफ, पसीना, घबराहट और बाएं हाथ में या गर्दन में दर्द से जाना जाता है। ये जानलेवा भी हो सकता है। जरूरी है कि इन लक्षणों के होते ही तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर का संपर्क किया जाए, जो इसके इलाज में या तो थ्रोम्बोलिसिस, जिसे हम दवाई का खून पतला करने का इंजेक्शन, या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होती है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी आज के ज़माने में सबसे उपयुक्त ट्रीटमेंट माना जाता है। याद रहे कि समय ही कोशिका है, और समय रहते अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो दिल की कमजोरी और मृत्यु भी हो सकती है। अंत में मैं आपको इसके रोकथाम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि रोकथाम इलाज से बेहतर है, और इसमें नियमित आहार, नियमित व्यायाम, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल का सही ट्रीटमेंट शामिल है। साथ में नशा मुक्ति अत्यंत आवश्यक है। ध्यान रहे कि दिल का दौरा बिना किसी लक्षण के भी हो सकता है, और इसीलिए इसका निदान या डायग्नोसिस लक्षणों के साथ साथ कई खून टेस्टों से भी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से किया जाता है। बड़े हर्ष के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिम्स अस्पताल एक उल्लेखनीय हॉस्पिटल के नाम पे जाना जाता है, और ये एक मार्ग निर्माता या पायोनियर हॉस्पिटल हृदय रोग के बारे में जाना जाता है, जिसमें हर तरह की सेवाएँ और डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ हार्ट के मरीजों के लिए उपलब्ध हैं।